सो फाइनली आ गया है मेरे पास है मोटो G9। जी हाँ, फ्लिपकार्ट से ये आ गया है। यहाँ पर ये है फ्लिपकार्ट का सील। सो ये है मोटो G9 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ इंडिया में। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB RAM 64GB ROM, जिसका प्राइस है 11,499 रुपये। जी हाँ, एक ही वेरिएंट है। पीछे यहाँ पर लिखा है 48 MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम। जी हाँ, 4 नहीं है, 3 कैमरा है। उसके साथ साथ नाइट विजन कैमरा भी दिया गया है। 5000mAh का बैटरी है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 4GB का RAM है। वैसा ही कुछ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो ऑलरेडी खोल चुका हूँ बॉक्स को। और सबसे पहले आपको मिलता है डिवाइस और यहाँ पर बैक केस ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसको थोड़ी देर बाद देखते हैं और क्या मिलता है। यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन है, यहाँ पर है कुछ यूज़र मैनुअल वारंटी इन्फॉर्मेशन, एक माइक्रो USB 2 USB Type-C डेटा केबल, उसके बाद है ये चार्जर। और अगर यहाँ पर चार्जिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक टर्बो चार्जर, विच इज़ 20 वाट का टर्बो चार्जर। सो ये रहा आपका फ़ोन। यहाँ पर आपका चमकी है, छोड़ो, ये है बैक केस एक्चुअली। सो ये ट्रांसपेरेंट बैक केस है, कुछ इसी प्रकार का है, इसको रखते हैं साइड में। और ये है डिवाइस, काफ़ी चमकीला धमकीला डिवाइस है। मेरे पास ये ब्लू वेरियंट है, एक्चुअली बीच में ब्लू है, साइड से यहाँ पर एक ब्लैकिश एक वेरियंट आता है, बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जी हाँ, बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। मुझे ना ये चीज़ काफ़ी अजीब लग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मतलब मुझे लगता है इसके आँखों में मोतियाबिंद हुआ है, मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा ही है, मतलब 3 कैमरा और यहाँ पर एक फ्लैश दे दिया, पता नहीं। ये ना मुझे काफ़ी अजीब लगा, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा ये वाला डिज़ाइन। ये मोटोरोला का लोगो है, यही आपका है फिंगरप्रिंट स्कैनर। पीछे यहाँ पर कुछ है, इस तरह से दिया गया कि हाइब्रिड सिम स्लॉट, जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर डुअल सिम डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देना चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलता है। और डुअल सिम भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मैं एयरटेल और जियो इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4G VoLTE वर्क्स प्रीटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इशू। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेटवर्क रिसेप्शन मुझे उतना सही नहीं लगा इनफैक्ट। और ये जैसे देख पा रहा हूँ, बार्स काफ़ी कम है। जहाँ पर मैं दूसरे फ़ोन्स में मैं जो रेगुलर वाइज इस्तेमाल करता हूँ उसमें काफ़ी अच्छे टावर है, लेकिन इसमें टावर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इनिशियल इंप्रेशन में। अगर आप डायरेक्टली वीडियो कॉल करना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सो डिवाइस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। जी हाँ, बेसिक कुछ कुछ एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया, 6.5 इंच का एक डिस्प्ले दिया गया, विच इज़ रियली ग्रेट। HD+ रेजोल्यूशन है, लेकिन ये जो बेसिकली विच इज़ कॉल्ड ए मैक्स विजन डिस्प्ले, सो काफ़ी लंबा है, मतलब वीडियो देखने के लिए काफ़ी मज़ा है। और एक हाथ से भी लगभग आप इस्तेमाल कर पाएंगे, या थोड़ा सा बड़ा लेकिन फिर भी आप कर पाएंगे। और लगभग एकदम स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फास्ट एंड फ्लुएंट एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इंटरनल देखा जाए, यहाँ पर जो प्रोसेसर है विच इज़ दी स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है। जी हाँ, एकदम फ्रेश इन दिस बकेट। और उसके साथ साथ 4GB RAM है, 64GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है। और अगर अबाउट फोन में जाके देखा जाए, यहाँ पर आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 10, विच इज़ लेटेस्ट एंड्रॉयड आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज़ गुड। और एकदम जो जैसे मैंने आपको बताया, एकदम स्टॉक एंड्रॉयड जैसे रहता है। और मैंने देखा ब्लोडवेयर्स एकदम ना के बराबर है नहीं है, मैंने कुछ कुछ एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है, इंस्टॉल किया, वही सब है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। सो ये एक काफ़ी गुड एड ऑन है। इवन मैंने ऑलरेडी गीकबेंच का भी टेस्ट कर लिया है। अगर गीकबेंच का मैं आपको हिस्ट्री में जाकर दिखा तो स्कोर मल्टीटच मैंने टेस्ट किया, यहाँ पर 10-point टच डिस्प्ले है। सो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सो मोर ऑर लेस अगर देखा जाए, यहाँ पर बेसिक जितने भी सेटिंग्स है वो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। मैं जल्दी से एक बार कैमरा टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैमरा में सब कुछ रॉ सपोर्ट मिलता है, कैमरा के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। और अगर डेप्थ चेक में जाके आप लोगों को दिखाते हैं, विच आई एम ट्राइंग टू शो यू द सेंसेस। सो यहाँ पर टेम्परेचर, एक्सेलोमीटर, जायरोस्कोप, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, लाइनर एक्सेलरेशन, गेम रोटेशन, वेक्टर, स्टेप डिटेक्टर, स्टेप काउंटर, एक्सेलोमीटर, जायरोस्कोप, लाइट, proximity, so you will get approximately all kind of sensors actually which are basically required. So those are pretty good actually. Budget category phone है, फिर भी आपको sensors यहाँ पर कोई भी miss out नहीं है. So you will get all kind of sensors on this device. अगर आप video देखना पसंद करते हैं, इस device में video viewing experience काफी बढ़िया, इनफैक्ट ओवरऑल जो आपका view angle है वो भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है। और YouTube में अगर देखा जाए, आप 720x60fps में वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये 720 वाला डिस्प्ले है, बट ओवरऑल काफी सही है। मतलब बजट के हिसाब से ये जो video viewing experience है वो काफी अच्छा है, ठीक ठाक है। मतलब बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, क्लॉक है, और अगर मैं चार्जिंग को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ही चार्जिंग परसेंटेज दिखाता है, तो ये वाला एनिमेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस डिवाइस में दिया गया सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और एक बार देख लेते हैं इसका साउंड परफॉर्मेंस कैसा है। सो ओवरऑल इसका जो साउंड परफॉर्मेंस है काफ़ी लाउड है और काफ़ी क्लियर है, तो इसका जो स्पीकर है इस डिवाइस में काफ़ी अच्छा दिया गया। थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, ये एसफॉल्ट 9 तो खेल ही सकते हैं, पबजी तो बैन हो गया, नहीं खेल सकते।
इनिशियली ये जो स्टार्टिंग है ये मुझे उतना फास्ट नहीं लगा, मतलब थोड़ा बहुत कैसे स्टार्टरिंग लगा, मतलब कैसे रुक रुक के चल रहा है जैसे लग रहा है, पता नहीं ये क्या सोस होके चल रहा है क्या, मतलब क्या है पता नहीं कैसे चल रहा है, मतलब वो गेम प्ले में वही मज़ा नहीं आ रहा, मतलब सही है बट मतलब वो जो एक मज़ा आता है वो मज़ा तो नहीं आ रहा है। तो एस्पर्ट नाइन अगर आप खेलेंगे प्लेएबल है बट जैसे मैं मुझे बताता हूँ प्लेएबल है बट इन्जॉयबल एक्चुअली नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, ख़त्म तो कर ही लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। चलो एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस में ना एस्पर्ट नाइन उतना मज़ेदार है, पहले पहले मज़ेदार लगता था, अभी लगता है ये तो ख़त्म हो गया। चलो चलो आगे है, तो गेम प्ले ठीक ठाक है, मतलब उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। जी हाँ, जो मैं बोल रहा था वो है इसका बैक केस, जैसे आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और ये इजीली स्क्रैचेबल है, तो बैक केस ज़रूर से इस्तेमाल करो। और रिव्यू के लिए तो हमेशा हम लोग को ऐसे फाइबर क्लॉथ लेके घूमना पड़ेगा ये फ़ोन का, क्योंकि नहीं तो इसको चमकाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत। कैमरा देखा जाए ट्रिपल कैमरा है, जी हाँ, ये डिज़ाइन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर फ्लैश देने का क्या मतलब है। जो भी है, 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर है विद अपर्चर 1.7, उसके साथ साथ एक मैक्रोविजन प्लस डेप्थ कैमरा है, जी हाँ, दोनों एक साथ दे दिया गया, और एक नाइट विजन मोड के लिए अलग से कैमरा दिया गया, तो ऐसे ही कुछ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। और सामने यहाँ पर एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोटो वन फ्यूजन प्लस भी कैमरा में बहुत सारा फीचर्स दिया गया, तो यहाँ पर भी उसका एक्सेप्शनल नहीं है। सेल्फी कैमरा भी यहां पर बहुत कुछ ऑप्शंस दिया गया है। और अगर हम लोग जाते हैं वीडियो मोड में, तो वीडियो मोड भी यहां पर एक बार सेटिंग्स में जाकर देखते हैं कितना वीडियो है। ओके, फुल एचडी में आप यहां पर वीडियो ले सकते हैं, विच इज गुड। और अगर हम लोग रियर कैमरा में वीडियो में जाते हैं, एक बार सेटिंग्स में जाकर देखते हैं, सो यहां पर आप ले सकते हैं, वेयर इज द वीडियो, ओके दिस इज, सो यू कैन कैप्चर फुल एचडी एट 60fps, फुल एचडी एट 60fps एंड 30fps, बट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अवेलेबल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक फोटो ऑप्शन है यहाँ पर, नाइट मोड ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत सारे ऑप्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट्रेट, कटआउट, उसके बाद मैक्रो है, स्पॉट कलर है, नाइट विजन है, सो यू विल गेट लॉट ऑफ, सिनेमैटिक है, सिनेमाटोग्राफ जो भी है, सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी जैसे आपको सैम्पल शॉट देख पा रहे, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में लिया है, सो ये काफ़ी इनिशियल इंप्रेशन है, अभी तक मुझे इस डिवाइस को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला, सो इसको मैं और भी टेस्ट करूंगा और आप लोगों को जरूर से एक फुल रिव्यू लेके आने का कोशिश करूंगा, कि अगर ये फ़ोन उतना चलता है या फिर लोग देखते हैं, तब डेफिनेटली इसका एक फुल रिव्यू लाने का कोशिश करूंगा अगर आप में इंटरेस्ट है तो। सो ये सेल्फी कैमरा सैंपल 8 मेगापिक्सल का, एक्चुअली लाइव व्यू में मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, यू कैन रिकॉर्ड फुल एचडी वीडियोस दैट इज ओके, बट मतलब ठीक ठाक है, ऐसा मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा, मतलब ठीक ठाक है, हालांकि काफ़ी इनिशियल इंप्रेशन है बट मुझे ठीक ठाक है, एक्चुअली ठीक ठाक है। सो ये रियर कैमरा सैंपल है और यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल एचडी वीडियोस, जैसे आप देख पा रहे हो मेरा जो डेस्क है कितना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज है, और जब भी मैं ये इधर जाता हूँ सो इधर ऑर्गेनाइज का एकदम 12 बज जाता है, सो जैसे आप देख पा रहे हो ये हिल एंड हेवन डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर मैं शूट करता हूँ तो यहाँ पर एकदम साफ सुथरा है, और इस साइड पे शूट नहीं होता, इस साइड एकदम अंडरशंटर पूरा एकदम फैला हुआ है। स्नैपड्रैगन का 662 काफी फास्ट एंड स्नैपी है फॉर द टाइमिंग, हालांकि मैंने ज्यादा एप्लीकेशन तो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया बट काफी फास्ट एंड स्नैपी है। इवन जैसे मैंने बताया ब्लोड वायर्स एकदम नहीं है, तो फोन नो डाउट काफी अच्छा चल रहा है। स्टोरेज में भी अगर देखा जाए कुछ कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर भी लगभग वही 33% यूज्ड है, सो इट्स बीन देयर अबाउट 40-42 GB के आसपास लगभग अभी भी फ्री है, सो ठीक ठाक है। अभी मेमोरी कार्ड तो आप लगा ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही वहाँ पर आपको एक चीज़ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर ब्लूटूथ एंड NFC दिया गया है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली, जनरली बजट कैटेगरी फोन्स में NFC नहीं दिखाई देता, बट यहाँ पर NFC ऑप्शन दिया गया, सो नो डाउट दैट इज़ अ गुड एड ऑन, कास्ट स्क्रीन ऑप्शन अवेलेबल है, सो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड यू कैन इनेबल द, ओके राइट। सो ये कुछ कुछ ऑप्शन है जो जनरली दूसरे फोन्स पर नहीं मिलता, यहाँ पर मिलता है। अभी जैसे आप देख पा रहे हो नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा है, पता नहीं, मैं एक बार वाईफाई ऑफ करके देखता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क अभी फिर से मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, बट नेटवर्क रिसेप्शन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, मतलब डालने के बाद जितना था लगभग 10-15 मिनट के बाद मैंने देखा थोड़ा सा बढ़ा है, वाईफाई के ऊपर इनेबल करके देखता हूँ थोड़ा सा बढ़ता है कि नहीं, मोर ऑर लेस मतलब नेटवर्क रिसेप्शन मुझे इनिशियल इंप्रेशन में जो बार्स है उसमें से उतना सही नहीं लगा। इवन वाईफाई कनेक्टिविटी भी कितना लेट है, जैसे अभी देख पा रहे हो अभी भी वाईफाई में कनेक्टिविटी नहीं हो, इतना लेट में कनेक्ट होता है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो है। यार मोटो के यहाँ पर सभी फीचर्स दिया गया जो मोटो डिवाइस में काफ़ी बढ़िया है, सो ये सभी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। आहा, ये वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है,
कैमरा ऑन हो जाता है। ये मुझे को फीचर्स बहुत पसंद है इनफैक्ट। सो मोटो के जितने भी वन एक्शन फीचर्स है सभी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर 5000 एमएएच का बैटरी उसके साथ साथ एक 20 वाट का फास्ट चार्जिंग है तो डेफिनेटली आई विल चार्ज दिस और इसको मैं एक बार देखूंगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम में चार्ज होता है। बट ओवरऑल फॉर द टाइमिंग इट लुक्स फेयरली ए सॉलिड डिवाइस टू हैव एक्चुअली। हालांकि डिजाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं इसका कवर लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कवर लगा के ये वाला फोन कितना मोटा हो जाता है। जी हाँ, इसका थिकनेस काफी बढ़ जाता है, काफी मोटा हो जाता है, काफी बल्कि हो जाता है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में मोटोरोला ने उतना अच्छा काम तो नहीं किया बट ठीक ठाक है। फॉर द टाइमिंग 662 काफी फेयरली फास्ट लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया ये इनिशियल इंप्रेशन, इसको और भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो फॉर द टाइमिंग सो फार सो गुड। तो गाइज ये द इनिशियल इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग ऑफ मोटो G9। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ट्विटर, फेसबुक एंड शुल्यू इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम से Dado15। So, this video, I will tell you that this is your host, I'm signing off from Dado. Hope to see you in my next video. Bye bye.